दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने Amazon Prime पर हाल फिलहाल में ही लॉन्च की गई द लास्ट आवर का रिव्यू रखूं, कि उससे पहले मैं अपने रिव्यू समाज को लेकर कुछ बातें कहना चाहता हूं। दोस्तों, इन दिनों YouTube पर मैं एक प्रथा को पनपते हुए देख रहा हूं, और इस प्रथा को हम लोग अगर कहावत में कहें तो कहते हैं भेड़ चाल। यानी कि भैया, एक ने मैं बोला तो दूसरे ने भी मैं बोला, तीसरे ने भी मैं बोला, और चौथे ने भी मैं क्यों बोला, तो भैया मैं बोलने से व्यूज हासिल होते हैं। यानी कि भैया, किसी एक ने तारीफ कर दी किसी एक वेब सीरीज की, अगर वो वेब सीरीज लेवल की हो या ना हो, लेकिन अगर उसके रिव्यूज को अच्छा व्यूज मिल चुका है अच्छा बोलने पर, तो भाई जितने भी ये सो कॉल रिव्यूअर्स हैं वो दौड़ पड़ते हैं, नहीं भाई ये वेब सीरीज तो बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, उसकी तारीफ इस तरह करने लगते हैं कि भैया, कुछ लोग तो सामने आकर नसीहत भी देने लग जाते हैं सलमान खान को कि सलमान खान सीखो इस वेब सीरीज से। अगर उससे भी उनके रिव्यू में व्यूज नहीं आते हैं तो भाई वो किसी ना किसी एंगल से अपने रिव्यू में करण जौहर को लेकर आएंगे, अनन्या पांडे को लेकर आएंगे, और उसके साथ इन दिनों उनका नया शिकार है जैकलिन फर्नांडिस। यानी कि भैया, किसी भी एंगल से हमें व्यूज हासिल करना है भाई, चाहे वो वेब सीरीज राधे से भी बुरी क्यों ना हो। तो दोस्तों, यहां पर मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, तो दोस्तों इसका कारण है, क्योंकि अगर आप द लास्ट आवर का रिव्यू अगर आप खोल कर देखोगे यूट्यूब पर, तो कोई भी इंसान ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो कि ये बात आपको बोलते नजर आए कि भाई जबरदस्ती में खामखा में इस वेब सीरीज को 8 एपिसोड तक खींच कर ले जाया गया। यानी कि भैया, अगर इस वेब सीरीज को 8 एपिसोड तक खींच कर ले जाना चाहिए था तो भैया इस वेब सीरीज में बहुत सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए थी जो कि आपका इंटरेस्ट अगले एपिसोड के लिए बनाता रहता। यानी कि भैया, इतनी तारीफ जब मैंने इस वेब सीरीज की देखी तो भाई मैंने भी सोचा कि भैया चलो इस वेब सीरीज को देख लेते हैं कि भैया इस वेब सीरीज में ऐसा है क्या कि भाई लोग इस वेब सीरीज को लेकर सलमान खान की फोटो लगाकर उसको नसीहत देते नजर आ रहे हैं कि राधे सीखो इस वेब सीरीज से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वेब सीरीज के टाइटल की, क्योंकि भैया पूरी कहानी जो है वो इसी टाइटल में ही आप एक लाइन में समझ सकते हो, यानी कि द लास्ट आवर, यानी कि भैया मरने से एक घंटे पहले वाला आवर, यानी कि भैया आपके मरने से एक घंटे पहले क्या हुआ था, यही इस वेब सीरीज का असल सार है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वेब सीरीज के रिव्यू को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं भैया इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर कौन है। तो दोस्तों, इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं अमित कुमार, जिन्होंने इस वेब सीरीज को लिखा भी है और इस वेब सीरीज को डायरेक्ट भी किया है। और इस वेब सीरीज में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं संजय कपूर, जो कि इस वेब सीरीज में अरूप का किरदार निभा रहे हैं, वहीं पर इसमें है कर्मा ताकपा जो कि देव का किरदार निभा रहे हैं, और उसके साथ इसमें है सैली कृष्ण जो कि परी का किरदार निभा रही है, और रॉबिन तमंग जो कि इसमें यम नाडू का किरदार निभा रहे हैं। यानी कि भैया, ये वो चार मुख्य किरदार हैं जिसके इर्द गिर्द ये वेब सीरीज घूमती नजर आ रही है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया भैया कि इस वेब सीरीज की अगर कहानी को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो भैया इसका जो वन लाइन है वही इस फिल्म की, इस वेब सीरीज की कहानी, यानी कि द लास्ट आवर। यानी कि आप जब इस वेब सीरीज को देखोगे तो आप पाओगे कि भैया सिक्किम की वादियों में लगातार कई सारे खून हो रहे हैं, कई सारे मर्डर हो रहे हैं, और ये मर्डर क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन संजय कपूर के हाथ एक ऐसा इंसान लग जाता है जो कि मरने वाले की आत्मा से बात कर सकता है, यानी कि देव के अंदर में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसकी मदद से वो मरने वाले की आत्मा से बात कर सकता है, यानी कि देव जो है वो संपर्क साध सकते हैं मर चुके इंसान की आत्मा से, और उससे वो जान सकते हैं कि भैया तुम्हारे मरने से एक घंटे पहले क्या हुआ, कैसे तुम्हारे साथ यह हादसा हुआ, किसने तुम्हारी हत्या की। तो दोस्तों, ये तो कहानी हो गई इस वेब सीरीज की। अब इसी बात को 8 एपिसोड तक आप लोगों को अगर बार बार बताया जाए कि भैया फिर से एक मर्डर हुआ है, कर्मा आ गया है, देवा आ गया है, वो आत्मा से बात करेगा और पता कर लेगा कि उसकी मौत कैसी हुई, किसने की, यही चीजें अगर आपको हर एक एपिसोड में देखने को मिलेगी तो आप क्या कहोगे। यानी कि भैया, ये जो वेब सीरीज है, स्टार्ट का 2 एपिसोड तो मुझे काफी पसंद आया, लेकिन उसके बाद हर एक एपिसोड जो है एक एक एपिसोड के साथ में ड्रैग होता चला गया। यानी कि नयापन इस वेब सीरीज में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला कि जिसकी इतनी तारीफ की जा रही है कि भाई ये वेब सीरीज तो तोप है। भैया कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि दिमाग के परखच्चे उड़ गए हैं, स्क्रू ढीला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई
इतनी भी तारीफ मत करो कि जो हजम ना हो। और बड़ी मुश्किल से मैंने इसके पूरे एपिसोड देखे, और इस एपिसोड को देखने के बाद मैं यही सोच रहा था कि भाई ये भेड़ चाल वाली प्रथा जो है रिव्यू के अंदर में, ये कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी, कब ऐसे लोग सुधरेंगे जो कि भैया लोगों को सही जानकारी देंगे कि भाई इस वेब सीरीज में ऐसा कुछ है कि भैया आप आठों के आप आठों एपिसोड जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं बताएगा दोस्तों आपको। तो आपको बहुत ईमानदारी से मैं बताना चाहूँगा भैया कि जिस वेब सीरीज की तारीफ आप इतनी धून धून के सुन रहे हैं, भैया ज़बरदस्ती का इसको इतना स्पेस दिया जा रहा है ताकि लोग ये सोचकर इस वेब सीरीज को देखें कि भैया इसमें कोई बड़ा चेहरा नहीं है, बड़ा नाम नहीं है, बड़ा कैनवस नहीं है, तो भाई ये वेब सीरीज जो है वो बेहतरीन होगी। और आपको बता दूं कि भैया इस वेब सीरीज का डायरेक्शन भी बहुत ही निम्न दर्जे का है, और जो चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म में, भाई इस वेब सीरीज में, वो बात इस वेब सीरीज के डायरेक्शन में कहीं भी नहीं देखने को मिली। और स्टोरी लाइन तो भाई मैं बताता हूँ कि दूसरे एपिसोड के बाद ही ड्रैग हो गई है, पूरी तरीके से ड्रैग हो गई है। तो भैया ऐसे लोगों से आप जाकर सवाल जरूर पूछना, पहले इस वेब सीरीज को पूरा देखना, क्योंकि आप लोग ऐसे लोगों के रिव्यूज पर काफी भरोसा करते हैं जो कि भैया आपको आकर समझाने लग जाते हैं कि भाई इस वेब सीरीज को नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो इस वेब सीरीज को देखने के बाद आप उनसे सवाल जरूर पूछना कि भाई बताओ दो एपिसोड के बाद में बाकी के 6 एपिसोड में इसमें क्या दिखाने की कोशिश की गई है। भैया यहां पर सिंपल सी बात है कि देव की ताकत को छीनना चाहता है एम नायडू, क्योंकि उसको अगर देव की ताकत मिल जाती है तो वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो भगवान की संरचना को ही चेंज कर सकता है, ऐसा बताने की कोशिश की गई है इस वेब सीरीज में। लेकिन क्या यम नायडू के किरदार को उतना स्पेस दिया गया है, क्या वो बात इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिली जो कि भैया इस वेब सीरीज में बताई जा रही है कि देव की ताकत को छीनने की कोशिश कर रहा है यम नायडू। तो दोस्तों इतनी झूठी तारीफ भी मत करो कि भैया हम लोगों का जो रिव्यू समाज है वो गर्त में चला जाए। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको द लास्ट आवर कैसा लगा था, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।